दोस्तों, हमारी इस दुनिया में सांपों की अनेकों विशालकाय प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन सभी सांपों की प्रजातियों में एनाकोंडा को सबसे बड़ी प्रजाति माना जाता है। ये सांप इतने बड़े होते हैं कि एक ही बार में गाय, बकरी और यहां तक हम इंसानों को निगलने की भी क्षमता रखते हैं, और इसीलिए इन्हें बहुत ही खतरनाक सांप माना जाता है। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जो छोटे मोटे सांपों को देखकर ही डर जाते हैं, तो शायद हमारा आज का वीडियो आपके लिए बेहद ही डरावना साबित होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 3 सबसे विशालकाय सांपों को दिखाने वाले हैं, जो अगर असल में आपके सामने आ जाएं तो आपकी जान हलक में आ सकती है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो डरावनी होने के साथ साथ बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल रहस्य एंड नेचर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, नंबर 3 पर है ब्राजीलियन एनाकोंडा। यह सांप कैमरे में उस वक्त कैद हो गया जब एक आदमी ब्राजील की एक नदी में नाव से जा रहा था, तभी वह नदी में एक बहुत ही विशालकाय सांप को देखता है। यह सांप को गौर से देखने पर पता चलता है कि यह कोई छोटा मोटा सांप नहीं है, यह उतना ही बड़ा सांप है जितना बड़ा हॉलीवुड की फिल्मों में दिखाया जाता है। इस आदमी की जगह कोई और होता तो वह डर जाता, लेकिन इस आदमी ने गजब की हिम्मत दिखाई थी और उस सांप को पकड़ने के लिए उसके पीछे अपनी नाव भगा दी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस सांप ने पलटकर हमला तक नहीं किया, और वह इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं उसका पेट फूला हुआ है। इसका मतलब यह है कि उसने अभी अभी शिकार किया था और उसका पेट भरा हुआ है। इस सांप के ताकतवर होने का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उस आदमी ने उसकी पूंछ को पकड़ लिया, उसके बावजूद भी वह आदमी उसे रोक नहीं पाया। यह वीडियो जब इस आदमी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो वह बहुत ज्यादा वायरल हो गया, जिसके बाद ब्राजीलियन गवर्नमेंट ने गैरकानूनी काम करने के जुर्म में इस आदमी को सख्त सजा दी, क्योंकि यह बिना लाइसेंस के जंगल में शिकार करने गया था और साथ ही उसने एक वन्य प्राणी को परेशान करने की कोशिश भी की थी। दोस्तों, अब बारी आती है टाइटेनोबोआ की। दोस्तों, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों ने इस सांप का नाम भी ना सुना हो, लेकिन आप सभी लोग एनाकोंडा के बारे में तो जानते ही होंगे। टाइटेनोबोआ भी एनाकोंडा के परिवार का ही एक विशालकाय सदस्य था, जिसके सामने एनाकोंडा एक छोटे से बच्चे के समान भी नहीं है। लेकिन यह सांप आज से करीब 58 मिलियन साल पहले हमारी दुनिया में रहा करते थे, और यह उस समय हमारे प्लेनेट के सबसे लार्जेस्ट क्रेचर हुआ करते थे, जो डायनासोर जैसे विशालकाय जीवों को अपने चंगुल में फंसाकर आसानी से मार देते थे। उस समय इनकी लंबाई 34 फीट और वजन लगभग 1000 किलोग्राम से भी ज्यादा हुआ करता था। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यह सांप कितने ज्यादा विशालकाय थे। टाइटेनोबोआ ज्यादातर घने जंगलों और पानी में रहा करते थे, और इस सांप की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसका मुख्य आहार नदी में रहने वाले विशालकाय मगरमच्छ थे, जिनको यह आसानी से अपने चंगुल में फंसाकर निगल जाया करते थे। दोस्तों, आप जरा एक बार सोच कर देखिए कि इतना बड़ा सांप अगर आज की दुनिया में मौजूद होता तो शायद इस दुनिया से इंसानों का नामो निशान खत्म हो चुका होता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारी दुनिया से बड़े बड़े सांप खत्म हो चुके हैं, क्योंकि हम आगे आपको ऐसे सांप के बारे में बताने वाले हैं जिसकी विशालता टाइटेनोबोआ से भी बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दुनिया के सबसे विशालकाय सांप द कांगो स्नेक के बारे में, जो एक पायलट के द्वारा हेलीकॉप्टर से कैमरे में कैद किया गया था। दोस्तों, सन 1959 के आसपास वॉन लेड नामक एक पायलट को बेलिजियम के कांगो के कंटांगा क्षेत्र में हेलीकॉप्टर के द्वारा मिशन से लौटते समय जंगल में एक बहुत ही विशालकाय सांप दिखाई दिया था। उन्होंने हेलीकॉप्टर से नीचे देखा तो पाया कि एक 60 फीट लंबा सांप जमीन पर पड़ा हुआ है। उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उस समय उनके पास एक ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा था, जिसकी मदद से उन्होंने उस सांप की कुछ तस्वीरें खींची। आप फोटो में देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर से इतनी ऊंचाई से फोटो खींचने के बावजूद भी यह सांप कितना बड़ा नजर आ रहा है। उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा सांप देखा था, इसलिए वे पूरी दुनिया को इसके बारे में बताना चाहते थे कि हमारी दुनिया में टाइटेनोबोआ से भी विशालकाय सांप मौजूद है। उन्होंने अपने पायलट से कहा कि वह हेलीकॉप्टर को थोड़ा और नीचे ले जाए ताकि वह सांप की और ज्यादा क्लियर तस्वीरें खींच सके। लेकिन जब उन्होंने हेलीकॉप्टर को थोड़ा नीचे किया तो सांप ने हेलीकॉप्टर पर ही हमला कर दिया।
वॉन का कहना था कि उन्हें एक पल तो ऐसा लगा कि मानो वो सांप का शिकार हो जाएंगे, लेकिन पायलट ने फुर्ती दिखाते हुए तुरंत हेलीकॉप्टर को सांप से दूर भगा लिया। दोस्तों, इस वीडियो में दिखाए गए सभी सांप रियल वीडियोस और तथ्यों पर आधारित है, जो फेक नहीं हो सकते, क्योंकि इतने विशालकाय सांप अक्सर अमेज़न जैसे विशालकाय जंगलों में ही निवास करते हैं। उन्हें देख पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। दोस्तों, इन सभी सांपों में आपको कौन सा सांप सबसे ज्यादा विशालकाय और खतरनाक लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और हमारी दुनिया में ऐसे बहुत से सांप अक्सर कैमरों में कैद होते रहते हैं, जिन्हें अगर आप देखना चाहते हैं तो आपके अपने चैनल रहस्य एंड नेचर को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।